Hey guys, hello, मैं हूँ अनामिका आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ मॉम टॉक्स एरिया। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जिसका बेबी गर्ल हो, यस गाइज बेबी गर्ल्स हो और उसको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, स्मेल आ रहे हो मतलब वेजनल एरिया से और उसे यूरिन करने के टाइम में पेन हो रहे हो और व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज आ रहे, साइड में व्हाइट जमा हुआ रहता है, हर वक्त गंदगी कुछ कुछ निकल रहे हो। अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेन है तो ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। गाइज ये प्रॉब्लम मैक्सिमम होते रहते हैं क्योंकि कुछ गलतियां हम लोग करते हैं बेबी की केयर करने के टाइम में, जिसके वजह से व्हाइट डिस्चार्ज एंड मतलब व्हाइट व्हाइट साइड में जमा हुआ रहता है। जैसे हम लोग के मुंह में ओरल थ्रस बच्चे का हो जाता है वैसे ही सफेद और स्मेल भी आने लगते हैं। तो गाइज अगर ये सब कंप्लेन आपके बेबी का है तो ये वीडियो आप मिस मत कीजिए। सो गाइज आपको ये फर्स्ट थिंग ये हो सकता है मेनली हम लोग को रॉन्ग टेक्निक ऑफ क्लीनिंग। यस गाइज आप सोच रहे क्लीनिंग, हाँ गाइज हम लोग वाइप क्लीनिंग हो या वेजनल क्लीनिंग का टेक्निक सही से नहीं करते हैं, इस कारण ये सब होता है, बाकी और कुछ नहीं। घबराने की बात नहीं, अगर आप सही तरीके से सही टेक्निक यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगे, आपकी आंखों के सामने रिजल्ट होगा, डॉक्टर के पास भी जाने का जरूरत नहीं होगी। एंड वो टेक्निक ये है कि कभी कभी जब हम लोग वाइप यूज करते हैं या उन लोग का पार्ट जब क्लीन करते हैं तब रॉन्ग तरीके से करते हैं। जैसे हम लोग बैक से फ्रंट कर देते हैं, बैक से फ्रंट मतलब एनस, जहां से वो लोग टॉयलेट करते हैं वहां से हम लोग यूरिन पार्ट क्लीन करते हैं। अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो अभी के अभी आप ये स्टॉप कर दें ये हैबिट, बिकॉज ये एक बैड हैबिट है क्योंकि एनस में जहां से वो लोग टॉयलेट पोटी करते हैं वहां से हम लोग यूरिन की तरफ पीछे से अगर सामने की तरफ क्लीन करेंगे तो एनस का जो इन्फेक्शन है वो मतलब यूट्रस मतलब सामने की यूरिन की तरफ में आ सकती है, इस वजह से वहां का जो वर्म है या कुछ होता है बहुत कुछ वो सब सामने की तरफ ट्रांसफर होने से कभी कभी इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो ही इसका रिजल्ट है। वो इन्फेक्शन होने की वजह से ही वहां पर आपका ये स्मेल आना, वाइट डिस्चार्ज ये सब होते हैं। अब आपको क्लीन करना है, वाइप से क्लीन करें या हैंड से क्लीन करें या कॉटन से क्लीन करें, कॉटन क्लोथ जिस चीज से आप क्लीन कर रहे हो आप ध्यान रखिए आप फ्रंट से पीछे की तरफ कीजिए, पीछे से सामने की तरफ नहीं। मैं फिर से बता रही हूँ फ्रंट से बैक की तरफ, मतलब जहां से सुसु करते हैं वहां से लेके पोटी की तरफ, पोटी से लेके सुसु की तरफ नहीं, आप ये ध्यान में रखिए। आप रेगुलर ऐसा क्लीन कीजिए, आप जरूर देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये सही हो जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये रेयरली होता ही है। सब बेबी की स्मेल आ रही है और वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है सुसु करने के टाइम में, अगर आप ऐसा देख रहे तो इमिडिएटली आप क्लीन कीजिए और जो भी सोप है माइल्ड सोप आप यूज करके उस एरिया में क्लीन करते रहिए। रेगुलर नहीं, जब भी आप उसको नहलाएंगे तब क्लीन कीजिए, यूरिन करने के बाद क्लीन कीजिए, पोटी करने के बाद क्लीन कीजिए, आप वो टाइम में अच्छे से क्लीन कीजिए, नहाने के टाइम में अच्छे से उसे साबुन से क्लीन कीजिए। ध्यान रखिए केमिकल फ्री माइल्ड सोप आप यूज कीजिए और ज्यादा बबल्स वाला मतलब जहां पर जहां बबल्स ज्यादा हो वो बबल्स बात उस टाइम में ज्यादा मत दीजिए क्योंकि वो भी बबल्स वहां पर जमा होकर कभी कभी साइड में रह जाते हैं, बहुत सेंसिटिव एंड बहुत ही लेयर्स होते हैं जहां से कभी कभी जम जाते हैं जिस वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आप जब भी क्लीन करेंगे पार्ट को सेपरेट करके आप अच्छे से क्लीन कीजिए और क्लीन करने के टाइम में जोर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ही जेंटल एरिया है, सो लाइटली आप क्लीन कीजिए। आप कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं, बेहतर होगा इस टाइम में आप डॉक्टर से कोई सलाह लेके जो भी क्रीम अच्छा होगा वो क्रीम ही यूज करें क्योंकि बाकी सब क्रीम में आप यूज करेंगे तो उसमें केमिकल ज्यादा हो सकती है। इसलिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आप बता दीजिए कि वहां पर जो क्रीम अच्छा वाला क्रीम आप कौन सा लगा सकते हैं या जो भी लोशन आप यूज कर रहे हैं आप उस पूछ लीजिए क्योंकि बेबी हुआ है तो रेगुलर डॉक्टर के पास तो विजिट होती रहते हैं, जिस भी बार आप जाएंगे आप पूछ लीजिएगा ये मैं वहां पर यूज कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैं डॉक्टर से पूछने के लिए ये कह रही हूँ
क्योंकि डॉक्टर से ही बेहतर रिजल्ट, बेहतर रिप्लाई एंड बेहतर आंसर और कोई नहीं दे सकते हैं। तो आप ये चीज कीजिए। दूसरा चीज, आप उसे अच्छे से खाना खिलाइए। आप ध्यान रखिए, खाना स्किप हो तो बाद में फिर खाना खिलाइए, नहीं तो कोई मतलब सप्लीमेंट्री फूड आप रखिए, जिससे आपका बेबी का जो फूड क्वांटिटी मेंटेन रहे और उसको इम्यूनेट अच्छे से इम्यूनाइजेशन हो और अच्छे से बॉडी स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि बॉडी स्ट्रेंथ रहेगी, हेल्दी रहेगी, तभी बैक्टीरिया वायरस से उसे बॉडी फाइट कर सकेगी और इन्फेक्शन से भी दूर रहेगी। पानी पिलाइए और बेबी को छोटे से ही सिखाते रहिए कि आफ्टर यूरिन, आफ्टर पोप, अच्छे से वो एरिया क्लीन करे और अननेसेसरी उनकी हैंड्स पार्ट में ना लगाए। और जब भी कोई खेलने के बाद, खेलने के पहले अच्छे से हैंड वॉश, खाने के पहले हैंड वॉश, रेगुलर हैंड वॉश टेक्निक भी उसे रेगुलर सिखाते रहिए। गाइज, अब छोटे से ही वक्त है, ऐसा नहीं अभी छोटा है तो अभी ये सब नहीं होगा, ये मत सोचिए। अब जब भी छोटे हैं तब से ही ये सब सिखाइए। सिखाने का मतलब ये है कि आप रेगुलर ऐसा करेंगे तो उसे भी हैबिट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगी, उसे बोल बोल के सिखाने का भी जरूरत नहीं होगा। अगर आपका बेबी छोटी है तो छोटी से ही ये प्रैक्टिस करते रहिए, आपका बेबी ऑटोमेटिकली सीख जाएगी एंड ये सब वेजाइनल प्रॉब्लम से भी उसे सोल्यूशन मिल जाएगी। सिर्फ छोटी बच्ची के लिए नहीं भी, बड़ी बच्ची के लिए भी सेम है। मीन्स बड़ी बच्ची हो या एडल्ट हो और हम मॉम्स हो, रेगुलर वॉश मेंटेन करके रखना अच्छी बात है। जैसे हम लोग के लिए, जो बड़ी ओमेंस के लिए क्लीन एंड क्लियर बहुत से क्रीम्स मिल जाते हैं, माइल्ड सोप मिल जाते हैं क्लीन करने के लिए, हम लोग भी उसे रेगुलर वॉश करना चाहिए, रेगुलर क्लीन रखना चाहिए, तभी हम लोग का जेनिटल एरिया में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा एंड क्लीन रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। वैसे बच्चों का भी क्लीन रखना चाहिए। सो गाइज, आज सिर्फ इतना ही मैं बता रही हूँ कि वेजाइनल में वाइट डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन एंड व्हाइट ऐसा थ्रस्ट, जैसा ओरल थ्रस्ट जैसा दिखे तो उसे वेजाइनल थ्रस्ट कहते हैं। और अगर आप वेजाइनल थ्रस्ट देख रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है, इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया। और सप्लीमेंट्री आपको एडवाइस ये है कि आप बेबीज को पैंटीज जो भी पहनाते हैं, आप लूज पैंटीज पहनाइए, टाइट पैंटीज मत पहनाइए, क्योंकि एयर ट्रांसफर अच्छे से होगा तो जगह हेल्दी रहेगा। अगर टाइट रहेगा, वर्म रहेगा, तो इन्फेक्शन, वर्म्स बढ़ने का चांसेस, बैक्टीरिया वायरस बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। जो भी क्लोथ्स है आप अच्छे से सन ड्राई कीजिए, नहीं तो हॉट ड्राई अच्छे से कर लीजिए, ये बेहतर होगा। और तो और, जो भी डायपर आप पहनाएंगे उसे थोड़ा एक साइज ज्यादा बड़ा ही आप पहनाइए तो अच्छा है। ज्यादा टाइट वाला डायपर पहनाएंगे तभी भी आप उसमें स्मेल आएंगे, इन्फेक्शन होने का भी चांसेस रहेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा बड़ा साइज का डायपर ही पहनाइए। और डायपर बेबी है तो रेगुलर टाइम में आप उसे एक्सचेंज करना मत भूलिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊंगी। अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सो।